भारतीय जनता पार्टी ने सोलन में रोष रैली निकाली। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में ये रोष रैली सोलन के लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस से आरंभ की गई और पुराने बस स्टैंड से होते हुए मिनी सचिवालय तक निकाली गई। ये रोष प्रदर्शन शांतिप्रिय ढंग से आयोजित किया गया। भाजपा नेताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि उनके इशारों पर जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जो बेहद गलत है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि टीएमसी द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनके कार्यालय जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू और कश्मीर में पंडितों को मारा गया, उन्हें वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया है, उसी तरह बंगाल में भी हिंदुओं के साथ हिंसा की जा रही है, उनके भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज वे ज्ञापन सौंप कर मांग कर रहे हैं कि इस अराजकता के माहौल को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आज सरकार बनाने जा रही हैं, उन्हें सरकार बनाने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जेएनयू में राष्ट्र विरोधी घटनाएं घटी थी, तब राजनीतिक दलों के मुखिया वहां टिप्पणियां देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट रही है तो सभी नेता मौन हैं। इस घटना से उन राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों का भी असली चेहरा सामने आ गया है। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा गुंडागर्दी का नंगा नाच किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में तीसरी बार ऐसी घटना घट रही है। पहली बार जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, उसके बाद आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व कश्मीर से योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, और आज ये तीसरा मौका है जब वेस्ट बंगाल से हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निकालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज माननीय उपायुक्त सोलन के माध्यम से ज्ञापन देने जा रही है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह की अराजकता के माहौल को तुरंत समाप्त किया जाए, और ममता बनर्जी जो कि आज सरकार बनाने जा रही हैं, उनको भी इस तरह से सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि निष्ठावान कार्यकर्ता जो कि पार्टी संगठन के काम से लगे हैं, कहीं भी हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जिस तरह से इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और राजनीतिक दल के भी मुखिया जो कि जेएनयू में जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हुई वहां पर उनकी दरियों पर बैठकर वहां पर उस माहौल को और इंस्टिगेट करने में लगे, आज एक शब्द भी इस अराजकता के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। इन सब का चेहरा भी आज नंगा हुआ है। मैं ये मांग करना चाहता हूं, और ज्ञापन के माध्यम से भी हम मांग करना चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत वहाँ पर विराम लगाया जाए।